17 अगस्त 2024 स्वागत है दोस्तों आपका एक नई वीडियो के अंदर। अभी हम लोग हैं मनाली से लगभग 145 किलोमीटर दूर बारालाचा पास के अंदर। तो पीछे क्लाउड्स के व्यू आपको देख ही रहे हैं, कितने जबरदस्त व्यू है। और हवा इतनी तेज चल रही है, इतनी ठंडी हवा यहाँ पे चल रही है अभी। और मनाली से लेके बारालाचा तक के कैसे रोड है और मनाली का कैसा वेदर, ये इस वीडियो में पता चलेगा। और जो लास्ट वीडियो था हमारा अभी कल का, दीपक ताल के पास हमने नाइट कैंपिंग की थी, वो भी बहुत मज़ेदार था। तो वो वीडियो भी चेक करना आप अगर आपने नहीं देखा है, काफ़ी मज़ेदार वो वीडियो था। और ये वीडियो रहेगा काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन से भरपूर, तो कंप्लीट वीडियो देखिए, खूब सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। तो अभी 8 बज चुके और दैया साहब बाहर आ चुके, बाहर की सुंदरता का मजा लेने। तो मॉर्निंग कैसी रात बीती थी दैया भाई? मस्त भाई मस्त, हल्की सी बारिश, पूरी रात बारिश थी तो थोड़ा सा वो आवाज़ तो आती रही, बाकी और कोई फर्क नहीं था, प्लेजर था, बढ़िया मस्त रहा। अभी उठे हैं, अभी थोड़ा सा नज़ारा लेंगे और फिर देखते हैं कहाँ चलना है, क्या करना। आज वैसे मैं घर जाने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि जिया जी कह रहे हैं वो आए हुए, तो फिर जाना पड़ेगा। आप चल जाओगे, मन कैसे लगेगा हमारा आपके बिना? अरे लग जाए मन तो लग जाएगा अभी तो, अभी तो आप भी तो जा रहे हो हमें छोड़ के मैं तो गेस्ट को लेने फिर आ जाऊंगा, यहीं से आना है मैंने। चलो ठीक है दैया भाई। जाओ तो सुबह को उठ के ऐसे कुछ नज़ारे आपको मिलते हैं। तो ज़्यादा सर्दी तो नहीं थी रात को, लेकिन बारिश रात भर होती रही, तो उसकी वजह से बारिश की आवाज़ें बस आ रही थी। और गला तो अक्सर ऐसे हो जाता है जब आप ऐसे सोते हैं, क्योंकि कल दीपक ताल में नहाए हम, उसके बाद फिर जो है पूरी रात ऐसे बिना जैकेट के बैठे रहे, क्योंकि इतनी ज़्यादा वो सर्दी वाली बात है नहीं। अभी जून जुलाई के अंदर इतनी ज़्यादा अगस्त हो गया अभी, तो ये नॉर्मल सी सर्दी रहती है। और ये हमारी दोनों गाड़ियाँ उधर बारबेक्यू ठंडा होना रख दिया है, बाकी सारा सामान हमने डाल दिया था टेंट के अंदर। और ये देखिए बारिश होने के बावजूद भी टेंट के अंदर से मैं दिखाता हूँ, बिल्कुल कोई भी दिक्कत नहीं हुई हमें। ये देखिए टेंट पड़ा है बिल्कुल सूखा, केवल थोड़ा सा पानी यहाँ कॉर्नर पे, ये भी 2-3 बार हमने ये ऊपर से खोला है, चेन खोली जब वो पानी आया, बाकी सारा सामान हमने यहाँ पे अंदर रख दिया था। और ये था हमारा स्लीपिंग एरिया, तो एक साथी हमारा लेटा हुआ अभी जाग तो रहा है, वो काफ़ी देर से जागे हुए हैं सारे, तो अभी यहाँ से चलता हूँ मैं गेस्ट को लेने। तो ये अभी हम दीपक ताल आ गए, और दीपक ताल से लगभग 1 किलोमीटर दूर पे ही वो मोड़ था जहाँ पे हमने कैंपिंग करी है। और ये ढाबा 8 बजते ही देखो खुल चुका है, तो बहुत जल्दी यहाँ पे आ चुके हैं। और 5-6 गाड़ियाँ भी गई है यहाँ से लेह के लिए। तो ये देखिए सुबह के टाइम तो इतनी मस्त लग रही है ये लेक, और हवा बहुत ठंडी है आज, क्योंकि रात को भर जो बारिश चली है उसकी वजह से मौसम काफ़ी सुहावना हो गया है यहाँ पे। तो हो सकता है दिन में तो तेज़ धूप आ जाए, लेकिन अभी तो इतनी ठंडी हवा चली है यहाँ पे, और क्या नज़ारे है। तो यहाँ से पहुँचते हम गेस्ट के पास, जो कि यहाँ से जिस्पा के अंदर जिन्होंने स्टे किया, जिस्पा से भी थोड़ा सा पहले ही है वो गैमूर के अंदर, तो वहाँ पहुँचते हम। और इस हाईवे पे सबसे ज़्यादा टाइम आपका ख़राब होता है इन भीड़ों के चक्कर में। एक ग्रुप तो हम पीछे छोड़ा है, 5 मिनट उसमें लग गए थे, और अभी 4-5 मिनट से इसके पीछे लगे हुए हैं। तो थोड़ा सा आगे निकलते हैं, फिर कोई दिक्कत आ गई, 1-2 भीड़ आगे आ गई, फिर रुक गया, फिर बाकी सारी भीड़ें आगे आ जाती है। तो देखते हैं अभी कितना टाइम यहाँ से लगता है, गेस्ट भी हो सकता है हमारे उठ गए हो, और यहाँ पे नेटवर्क भी नहीं है, बीच में कई जगह पे नेटवर्क नहीं होता। जहाँ पे हमने नाइट स्टे किया था वहाँ भी जियो का नेटवर्क था थोड़ा थोड़ा। तो अभी देखते हैं कितनी देर में निकल पाते हैं यहाँ से, रास्ता तो बन रहा है धीरे धीरे। 8 बज के हुए, अभी 50 मिनट और हम पहुँच चुके हैं दारचा बैरियर से आगे जिस्पा की तरफ। तो दारचा में आते ही तो नेटवर्क आ जाता है, बट जो लेक थी उसके पास में केवल जियो का नेटवर्क रहता है, वो भी जो है कभी आता कभी जाता ऐसे ही है। वैसे रात भर के लिए हमने जो है मोबाइल ऑन करके छोड़ दिया था वीडियो अपलोड होने के लिए, तो सुबह वीडियो अपलोड हुई मिली, तो काम तो चल जाता है वैसे। और यहाँ पे बहुत सारे साइकिलिस्ट चले हैं अभी सुबह सुबह आगे के लिए, पूरा का पूरा ग्रुप है, काफ़ी बंदे आगे जा चुके हैं। ये देख सकते कैंपर पे भी 3 साइकिलें जो है डाल रखी है, और ये आगे लेजेंड्स किचन के नाम से है लास्ट कॉफी शॉप। और यहाँ पे देख सकते हैं आलू और गोभी उगाई हुई है, जिन पे अभी जो है पानी मारा जा रहा है ताकि वो जो है
नमी उनके अंदर बनी रहे, अच्छे से वो फसल तैयार हो जाए। तो अभी हम जिस्पा गांव क्रॉस कर रहे हैं, तो जिस्पा गांव के अंदर काफ़ी सारे स्टे के ऑप्शंस हैं। हमने जो कैंप लिया वो जिस्पा से 1-2 किलोमीटर पहले था, गैमूर वो गांव पड़ता है एक्चुअली, बट वो जिस्पा में ही बोला जाता है क्योंकि जिस्पा का नाम स्टार्टिंग से पॉपुलर है। और यहाँ पे गांव के लोग कुछ जो है गोभी वगैरह जो है पैक कर रहे हैं यहाँ से। तो काफ़ी सारे यहाँ पे कैंप के ऑप्शंस होते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे ये गाड़ियाँ जो है यहाँ पे रुकी हुई है। और ये कुछ टूरिस्ट यहाँ पे अपने बच्चों के साथ सुबह सुबह प्रकृति के बीच में घूमते हुए, ये पद्मा लॉज है सामने। तो काफ़ी सारे ऑप्शंस, आपको होटल, होम स्टे, ग्लैम्पिंग, हर तरह की चीज़ मिल जाती है यहाँ पे, और काफ़ी यूनिक एक्सपीरियंस होता है। बट रात को आप बाहर नहीं निकल पाएंगे, इतनी सर्दी होती है यहाँ पे। और यहाँ पे कुकिंग वगैरह में भी बहुत सारे ऑप्शंस है, बहुत सारी किचन्स है हर तरह की यहाँ पे। और ये देखिए कितने सारे यहाँ पे कैंप्स है। तो यहाँ से थोड़ा सा आगे है हमारा जो कैंप हमने लिया था, तो अभी वहाँ पे हम लोग पहुँचते। और आसमान देख सकते बहुत सुंदर लग रहा है, बिल्कुल नीला और बीच में बिल्कुल व्हाइट जो है क्लाउड्स है यहाँ पे। जय हिंद। अभी यहाँ पे देखिए तिरंगा लहराते हुए, और बहुत ही साफ दिन है, बिल्कुल साफ मौसम है। रात को तो बारिश हुई थी कैंप में, और अभी देख सकते बहुत ही सुंदर मौसम हो चुका है, बहुत अच्छे व्यू है क्लाउड्स के। 11 बजे हैं अभी लगभग, और अभी यहाँ से 5-10 मिनट में हम निकलेंगे आगे दारचा के लिए, और दारचा से फिर आगे बारला चपास। 11:40 पे हम पहुँचे हैं दीपकताल। तो कल तो खूब डुबकी लगा चुके हम, आज कोई मन नहीं है रुकने का। आज हमारे गेस्ट बोल रहे वैसे सूरज ताल में डुबकी लगाएंगे, तो देखते हैं लगाते हैं कि नहीं। तो ये जो ब्रिज से कच्चा रास्ता आता है, इस रास्ते से गए थे रात हम कैंपिंग लोकेशन पे। और अभी हमारे साथी जो है कैंप वगैरह जो है पैक कर चुके, सारी तैयारियां उनकी हो चुकी है, गाड़ी गाड़ी यहाँ से खड़ी दिख रही है, तो 2-4 मिनट में वो लोग निकल जाएंगे। और हम जाते अभी सीधा यहाँ से जिंग जिंग बार होते हुए बारा लाचा पास। पहुंचे जिंग जिंग बार, तो दीपक ताल से जिंग जिंग बार तक रास्ता क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। बीच में थोड़ा बहुत जो है रोड टूटा है, तो गाड़ी अगर ठीक से आराम से चलाओगे तो कोई भी गाड़ी आराम से निकल जाती है। बाकी जितना ग्राउंड का क्लियरेंस अच्छा होगा गाड़ी का, उतना फायदा तो आपको मिलता ही है इस रोड पे। और अभी देख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है इस रोड पे। और यहाँ के रोड्स पे ड्राइव करने का मज़ा अलग ही है, देख सकते हैं आप। बहुत ही खूबसूरत जो है वैली है ये पूरी की पूरी, और माउंटेन्स के कलर भी बहुत ही अच्छे हैं यहाँ पे। ज़्यादातर जगह से ब्राउन है, और उसके बाद तो इतने सारे कलर मिलते हैं यहाँ पे, पर्पल, गोल्डन, इस तरह के बहुत सारे रंग बिरंगी माउंटेन्स कह सकते हो। और यहाँ पे आके ग्रीनरी बिल्कुल जीरो रह जाती है, बीच में थोड़ी बहुत घास फूस दिखाई देगी आपको, अदरवाइज पूरा का पूरा जो है क्लियर है। और यहाँ से 6-7 किलोमीटर रह गया अभी बारलाचा पास। और अभी ले वाले रूट पे आप देख सकते हैं बहुत सारे बाइकर्स चले हैं। तो मनाली से रे रूट पे कोई भी दिक्कत नहीं है, यहाँ पे अभी करीबन 10-12 बाइक्स तो जा चुकी हैं। पीछे भी कई सारे ग्रुप्स हमें मिले थे अलग अलग पॉइंट पे, तो आप लोग ले जा सकते हैं, अभी रास्ते बिल्कुल ओके है। अभी हम सूरज ताल में आए हैं, और अभी दोपहर हो रही है, बट इस टाइम पे बहुत ही ज्यादा ठंड है, इतनी ज्यादा हवा चल रही है, मेरे को तो बड़ी ठंड लग रही है। और देखो पानी का रंग कैसा है, ग्रीन कलर का, और ऊपर स्नो भी है, ग्लेशियर्स है ऊपर। तो सूरज ताल पहुंचे हम, धूप बहुत तेज है यहाँ पे, लेकिन बावजूद उसके हवा काफी ठंडी यहाँ पे। और ये देखिए लेक चमचमाते हुए यहाँ पे दिख रही है, बिल्कुल ग्रीन कलर है, और पानी भी पहले से तो काफी कम हो गया है। और ये दूर देख सकते हैं कुछ बाइकर्स आते हुए, तो हवा बहुत ठंडी चलती है। और सूरज ताल को यहाँ पे लिखा है द विश लॉकर, लोग यहाँ पे अपने विश मांग के यहाँ पे लॉक भी लगा के जाते हैं, वो भी मैं दिखाता हूँ। और ये जिमनी अभी अपना श्रृंगार करके आई है ऑफ रोडिंग का मजा लेते हुए। तो ये हमारे गेस्ट हैं जो कि अभी फोटोग्राफी में बिजी है, और एक और ये गाड़ी शायद लेह की ओर जा रही है। तो सूरज ताल बारलाचा से केवल 1-1.5 किलोमीटर है, और यहाँ पे भी लिखा गया सूरज ताल द विश लॉकर। तो यहाँ पे कुछ लोग अपने लॉक्स वगैरह बांध के जाते हैं, स्टार्ट हो गई है, 1-2 सालों में तो पूरा का पूरा ये कवर मिलेगा आपको, ये देखिए। तो यहाँ से थोड़ा ही रह गया बारलाचा, लेकिन बर्फ नहीं है, लेकिन
रास्ते का अपना ही मजा है इसका। तो अभी लगभग 1 बजा है और हम पहुंच चुके हैं बारालाचा पास में। तो क्लाउड्स के व्यू आप देख सकते हैं, बहुत ही प्यारे। और यहाँ पे कुछ बाइकर्स के ग्रुप चले हैं और ये सारा का सारा फॉरनर ग्रुप है। ये पीछे इंडियन टूरिस्ट भी आ रहे थे, बाइकर्स बहुत सारे। ये एक और गाड़ी ले के लिए निकली है, इनोवा क्रिस्टा जो आपने सूरज ताल में देखी थी। और अभी ये यहाँ से शायद ले की बजाय रिटर्न तो नहीं हो रहे, बाइक तो ऐसे घुमा रहे, ये शायद रिटर्न हो रहे यहाँ से, तो देखते हैं। और हमारे क्लाइंट उधर पीछे है। वैसे हम लोग 0 पॉइंट पे रुक रहे थे, बट इन बाइकर्स को देख के गेस्ट कहते हैं कि नहीं आगे चलो, बाइकर्स जहाँ पे रुके हैं वहाँ तक हम लोग चलेंगे। तो ये निकल चुके हैं अभी ले के लिए। तो ऑल द बेस्ट इन सभी को, हैव ए सेफ जर्नी, खूब मज़े करिए इस रूट पे। तो देख सकते हैं कितनी सारी बाइक्स है। तो बहुत सारे न्यूज़ चैनल तो इस टाइम पे डराते हैं कि ये दिक्कत है वो दिक्कत है, तो ऐसी दिक्कत होगी तो इतने बड़े बड़े ग्रुप्स नहीं जाएंगे। बट ये है कि मौसम के बारे में तो आप पहले से देख लें अच्छे से, वेदर का प्रेडिक्शन वगैरह फोरकास्ट वगैरह चेक करो, रोड अपडेट्स चेक करो, उसके बाद ही आप लोग आओ। बाकी गेस्ट से भी पूछते हैं यहाँ पे आके कैसा उनको लग रहा है। जैसे कि आप देख रहे हो, हम बारालाचा पहुँच चुके हैं और बर्फ़ तो नहीं मिली हमें, थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग है। बट जब व्यू देखते हो ना आप सामने के, सब कुछ मतलब माइंड एकदम हील हो जाता है, कोई चक्कर नहीं अगर अगर स्नो है कि नहीं है। मतलब बैठ के यहाँ से व्यू देखने का ना अलग ही मज़ा है, और जो स्नो में शायद ना मिल पाता, बट लेकिन यहाँ से देख के सच्ची में ऑक्सीजन लेवल थोड़ी सी ब्रीदिंग प्रॉब्लम है, और हवा बहुत ज़्यादा तेज है, सांस लेने में थोड़ी दिक्कत है, बट इतना चलेगा, इतना चलता है, इतनी कोई ज़्यादा दिक्कत हमें फील हो नहीं रही है। तो ये है बारालाचा पास का 0 पॉइंट। तो अभी यहाँ से आगे हम जो आ रहे हैं मनाली की ओर, और देख सकते हैं कितने सुंदर क्लाउड्स के व्यू है। 2:45 और हमने अभी दारचा बैरियर क्रॉस कर लिया है, तो व्यू तो काफ़ी अच्छे हैं। बाहर बहुत तेज़ धूप है और हवा उतनी ही ठंडी, तो यहाँ से देखते हैं हम कहीं पे रुकेंगे चाय वगैरह के लिए। 3:05 पे हम पहुँच चुके हैं जिस्पा के अंदर, और यहाँ पे हम लोग लंच के लिए रुके हैं अभी जिस्पा रसोई के अंदर। तो यहाँ पे अभी आलू के ऊपर पानी मारा जा रहा है यहाँ से, और ये है जिस्पा रसोई जहाँ पे लंच के लिए हम लोग रुके हैं। 5:15 और हम लोग तांदी से थोड़ा सा आगे चले हैं, और यहाँ पे अभी बारिश रुक चुकी है, बारिश हुई होगी हल्की फुल्की। और ये देखिए यहाँ से नदी बहुत ही सुंदर लगती है। ये है चंद्रा नदी जो कि चंद्रताल स्पीति वैली से शुरू होती है और उसके बाद ही आगे जाके मिल जाती है यहीं पे तांदी में ही भागा नदी में। और यहाँ पे हम लोग रुके हैं, ये माउंटेन्स के जो लैंडस्केप्स है वो हमारे टूरिस्ट को बहुत पसंद आए। ये देख सकते हैं कितने अच्छे अच्छे डिज़ाइन इन माउंटेन्स के है यहाँ पे। तो हमारे 3 टूरिस्ट जो है फोटो ले रहे हैं और 1 टूरिस्ट जो है सुस्त होके गाड़ी में लेटे हैं अभी। तो अभी हम लोग सिसु के अंदर पहुँचे हैं, और इससे थोड़ा पहले भी हम लोग रुके थे यहाँ पे कुछ खाने पीने के लिए। और यहाँ पे देख सकते हैं सिसु वाटरफॉल बहुत ही सुंदर दिखता है, और शाम को अभी बहुत कम टूरिस्ट है यहाँ पे। और ये देखिए रोड बहुत ही सुंदर लगता है इस टाइम पे, क्योंकि दिन में आप जब जाते धूप होती है, अच्छी वीडियो भी नहीं आती। और अभी तो काफ़ी सुहाना मौसम है, बारिश हुई होगी थोड़ी बहुत यहाँ पे। और ये एक गेट है जो कि बहुत सुंदर लगता है, और सर्दियों में तो इन पेड़ों पे कोई पत्ता नहीं होता, और इस टाइम पे ग्रीनरी काफ़ी ज़्यादा होती है। तो मौसम ऐसे बदलता है महीनों के हिसाब से, कलर यहाँ के डिज़ाइन सब चेंज हो जाते हैं, और अभी बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। बस के हुए भी 15 मिनट, और ये देख सकते हैं कितना सुंदर आसमान। अभी हम लोग सिसु और अटल टनल के बीच में हैं, और चंद्रा नदी का फ्लो काफ़ी बढ़ा हुआ है अभी। तो अटल टनल के पास मौसम बिल्कुल साफ है। बाकी अभी देखते हैं हम अटल टनल क्रॉस करेंगे, मनाली की साइड देखते हैं कैसा मौसम है। यहाँ तो बिल्कुल क्लियर है, तांदी के पास थोड़ी सी बारिश हुई थी, बट जो है उसके अलावा कहीं पे बारिश नहीं है। और ये स्पेशल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा टैक्स लिया जाता है हिमाचल से बाहर की गाड़ियों से। 6:30 हुए और मनाली की साइड भी वेदर क्लियर है। तो अटल टनल हम लोग क्रॉस कर चुके हैं, और देखते हैं बाकी आगे सोलांग वैली और मनाली की साइड में कैसा क्लाइमेट हमें मिलता है।
और दो चार टूरिस्ट अभी रुके हैं यहाँ पे फोटोज वगैरह के लिए। और यहाँ पे देखिए अभी बहुत ही सुंदर, मनाली में एंट्री करते ही कितने सुंदर क्लाउड्स के व्यू है। तो यहाँ पे कैफे बीआरओ भी है, जैसे ये छोटी सी हम टनल क्रॉस करेंगे तो यहाँ पे खाने के लिए रुका जा सकता है। बट अभी पीछे ये टूट गया था काफी ज्यादा जब स्नोफॉल हुआ था, तो अभी प्रॉपर ढंग से चालू नहीं है ये। और ये धुंधी ब्रिज और सोलांग वैली के बीच में बारिश होके रुकी है, तो क्लाउड्स काफी अच्छे हैं, रोड गीला है लेकिन ज्यादा बारिश नहीं हुई है, बिल्कुल नॉर्मल बारिश। तो ये सामने आ गया है सोलांग वैली, तो सोलांग वैली तो नहीं रुकेंगे हम, जाएंगे सीधा यहाँ से मनाली की ओर। तो ये बोर्ड आ गया है सोलांग वैली का, तो सोलांग वैली में भी पैराग्लाइडिंग, रोप वे दोनों एक्टिविटी चालू है। उसके अलावा आप लोग एटीवी राइड कर सकते हैं, जिप लाइन कर सकते हैं। 7 बजे हमने पहुंच जाना था मनाली और अभी 8 बज चुके, हम पलचान में फंसे हैं ट्रैफिक में। यहाँ पे काफी तंग रास्ता है और गांव में कोई फेस्टिवल चला है जिसकी वजह से यहाँ पे 1 घंटे से ऊपर लगभग 1.25 घंटा हो गया और अभी भी ट्रैफिक में ही फंसे हम। 9:25 हुए, हम आ गए हैं अभी जिंग बस लॉन्च में दैया भाई को छोड़ने। तो अभी ये दिल्ली जा रहे हैं और कल के रोड कैसे हैं ये इनकी वीडियो से भी आपको पता चल ही जाएगा। मैं अभी रात को रोड की कोई अपडेट नहीं देने वाला, मैं यहीं पे वीडियो को एंड करूंगा और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो पहुंचने के बाद बता देना। सही है सब, बता देंगे, अपडेट जरूर कर देंगे, चाहे शॉर्ट में करेंगे। तो ये 9 बज के हुए भी 30 मिनट और दैया भाई आप सभी को बाय बोलते हुए दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं और होप इनकी जर्नी बहुत अच्छी रहे। और ऑलमोस्ट बस पूरी की पूरी फुल है ये देखिए। तो हम लोग हैं अभी जिंग बस लॉन्च में, ये देखिए। तो ये सारे के सारे लोग जो है अभी दिल्ली के लिए निकल रहे हैं। तो अभी दिल्ली के रोड्स अच्छे हैं, किसी तरह की दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और वीडियो अगर यूज़फुल होती है तो 2-4 अच्छे अच्छे कमेंट्स कर दिया करो ताकि हमें और हौसला मिले और बहुत सारी ऐसी ऐसी अपडेट्स हम लेके आए। तो अपना ख्याल रखिए और हम लोग कल मिलते हैं फिर से रोहतांग पास की अपडेट के साथ।